मध्य प्रदेश सरकार कोरोना से निपटने में पूरी तरह से असफल साबित हो रही है। लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। जिनके पास रुपए हैं वो ब्लैक में इंजेक्शन खरीद रहे हैं, पर एक आम आदमी को इंजेक्शन के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की नाकामी को अब उनकी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता ने जग जाहिर किया है। भाजपा मंडल अध्यक्ष ने सीएम को बोला निकम्मा। भारतीय जनता पार्टी के नूनसर मंडल अध्यक्ष अजय पटेल ने सीएम के खिलाफ अपना आक्रोश सोशल मीडिया में उतारा है। मंडल अध्यक्ष अजय पटेल ने सीएम को अपनी फेसबुक वॉल पर निकम्मा मुख्यमंत्री लिखा है। उन्होंने लिखा कि भाजपा का एक कार्यकर्ता होने के बाद भी इस तरह के शब्द लिखने को मजबूर हूं, और वो इसलिए क्योंकि मैंने अपनों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। मैं भाजपाई होने के बाद भी अपने परिवार के लिए नहीं कर पाया इंजेक्शन की व्यवस्था। अजय पटेल जो कि भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और वो हमेशा ही भाजपा के हर कार्यक्रम में मौजूद भी रहते हैं। हाल ही में उनके परिवार का एक कोरोना से ग्रसित हो गया और इलाज के लिए उन्हें इंजेक्शन की जरूरत पड़ी, पर वह उसमें नाकाम रहा। अजय पटेल ने फेसबुक में लिखा है कि इससे मैं अपनी नाकामी मानूं या फिर सरकार की भाजपा में रहने के बाद भी मैं एक इंजेक्शन नहीं जुटा पाया। कांग्रेस आई अजय पटेल के समर्थन पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष अजय पटेल ने जिस तरह से अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लिया है, उसको देखते हुए अब कांग्रेस भी अजय पटेल के समर्थन में आ गई है। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष दिनेश यादव का कहना है कि निश्चित रूप से यह सरकार की नाकामी है कि अपनी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता को वह इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं करवा पाई। कहीं न कहीं अजय पटेल का यह दर्द जिस तरह से फेसबुक में छलका है वह है सही भी है। एक मंडल अध्यक्ष ने ट्वीट किया है और सरकार को निकम्मा बोला, क्या प्रतिक्रिया? नहीं, ये सरकार तो निकम्मी है ही, और ये कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि भाजपा का मंडल अध्यक्ष ने बोला तो इसलिए विशेष बात हो गई। जन जन लोग बोल रहे हैं, सभी बात में सभी लोग बोल रहे हैं। उसका एक कारण है, सरकारी व्यवस्था जो होती है उसमें कोई ये तय नहीं होता कि ये किस वर्ग के लिए है या किस पार्टी के लिए, वो सबके लिए होता है। और वर्तमान में ये स्थिति है कि जो अव्यवस्था फैली है जिसके कारण लोगों की मौतें हो रही हैं, हर गली आंगन में मौत तांडव मचा रही है, एक साल से ऊपर होने को जा रहा है और अभी तक सरकार की कोई व्यवस्था नहीं रही है, कोई स्वास्थ्य सुविधाओं में इसमें सुधार नहीं हुआ, जबकि बातें बहुत बड़ी बड़ी भई, 20 लाख करोड़ रुपए का पता नहीं है, प्रधानमंत्री केयर फंड में अरबों रुपए आया कंपनियों से, हमारे यहाँ के उद्योगपतियों से, उस बात का केयर फंड का पता नहीं है, और आज सुविधाएं नहीं है, लोगों की जाने जा रही है, तो आदमी किसी सरकार को अच्छा कहेगा क्यों? वो तो आज मंडल अध्यक्ष ने बोला है, कल तो आप देखना, कल जिला अध्यक्ष बोलेंगे, परसों को यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बोलेंगे, क्योंकि मनुष्य तो वो भी है ना, मर तो उनके भी लोग रहे हैं ना, चाहे उनके परिचित के हों, चाहे उनके नाते रिश्तेदार हों, चाहे उनके पार्टी का कार्यकर्ता हो, क्योंकि ये तो अगर आप सुविधा नहीं दोगे तो वायरस थोड़ी जानता कि कौन भाजपा, कौन कांग्रेस, कौन किस दल का है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, गरीब है कि अमीर है, वो तो अपनी धुरी से चल रहा है। पर सरकार का काम है कि उस पे व्यवस्थाएं देना, स्वास्थ्य सुविधाएं देना, लोगों की जान की रक्षा करने का काम सरकार का है। जो सरकार नाकाम है, और यहाँ से लेके खाली जबलपुर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के हालात हैं। हम अच्छे भाषण कितने ही दे दें पर जो अच्छी सुविधाएं नहीं देंगे तो हमारे ज्यादा दिन अच्छे भाषण चलेंगे नहीं। यही फर्क है कांग्रेस और भाजपा की सरकार में। अब तो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब क्या भाजपा का यही राम राज्य है जहाँ पे लोग मर रहे हैं और लोगों को और सरकार को पता नहीं है, सिवाय इसके कि बेफालतू बातों के या दूसरी बातों में बरगलाने के। हाँ, इससे अच्छा तो कांग्रेस था। आज जो कांग्रेस ने जो भी किया है वो सबके लिए सुविधाएं दी, और आज भी वर्तमान में जो स्वास्थ्य सुविधाएं काम में आ रही हैं वो कांग्रेस के द्वारा दी गई और बनाई हुई सुविधाएं काम में आ रही। कल्पना करिए कि अगर कांग्रेस ने इन 60 सालों में ये सुविधाएं नहीं दी होती तो आज और क्या हालात होते इस देश के। ये तो है ही, और अभी तो एक कार्यकर्ता बोला सब बोलेगा अभी तो, और आप देखना इतनी अराजकता का माहौल, इतनी भयभीतों का माहौल, और सरकार ने सबको अपने अपने उस पर छोड़ दिया। सरकार कोई जवाबदार जैसी नहीं है, सरकार तो क्या पद में भी नहीं रहना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगता हूँ। भैया, जो इंजेक्शन कालाबाजारी हो रही कैसे लगाम लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर पहले ही से लोग, आपने लोगों को दलाली करना इतना सिखा दिया है, आप किसी चीज में कंट्रोल है नहीं, और अगर जान किसी की जोखिम में है और सरकार की व्यवस्था नहीं है तो एक आम व्यक्ति एक रुपये का वो एक की चीज 100 में मिलेगा तो भी जिसकी क्षमता होगा वो लेगा। आज स्थिति ये हो गई है कि व्यक्ति के पास इंजेक्शन नहीं है, दवाई नहीं है, और उसके परिवार को व्यक्ति वो अगर देख रहा है कि पल पल इसकी ऑक्सीजन गिर रही है, सुविधा नहीं है,
वो अपने अगर मान लो परिवार के सदस्य को बचाना चाहता है तो वो तो अपने आप को बेच को भी उसकी व्यवस्था करेगा। अब इसमें चाहे लोग ब्लैकमेलिंग समझे, चाहे लोग इसको सरकार के वो इंजेक्शन लगाने वाले दलाली समझे, कुछ भी समझे, जब सरकार मुहैया नहीं कराएगी तो ब्लैकमेलिंग भी होगी और इसका दोषी भी जो है वो सरकार है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।